जनूबी कश्मीर में कोकरनाग इलाके के वनिलगाम नामी इलाके से बहने वाला मशहूर नाले बरंगी अचानक धंस गया। नाले के बीचों बीच एक बड़ा सुराख बन गया और देखते ही देखते नाले का सारा पानी सुराख में सरहित होना शुरू हो गया। इस अजीबोगरीब और महरुल कोल वाके की इतला जंगल की आग की तरफ फैल गई। मुकामी लोग सैकड़ों की तादाद में यह हैरत अंगेज वाके देखने के लिए उमड़ पड़े। वही तहसील इंतजामिया भी हरकत में आ गई और एक हुक्मनामा जारी करते हुए लोगों से नारे बरंगी का रुख करने से परहेज करने की तलकीन की गई। इंतजामिया ने हुक्मनामे में लोगों से नारे से कम अज कम 25 फीट दूरी बरकरार रखने की अपील की है। वही इंतजामिया ने अवामी जानो माल के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाए जाने की गर्ज से इलाके में दफा 144 नाफिज कर दिया। मुकामी बाशिंदों का कहना है कि दो दहाई कबल ऐसा मुकाम पर इसी तरह का एक वाक्य पेश आ चुका है। सुराख होने के मुकाम से आगे की तरफ नाला बिल्कुल सूख चुका है, जबकि मछलियां भी पानी न होने के पास मर रही है। इस अजीबोगरीब वाक्य से मुकामी लोगों में खौफ और हिरास फैल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, वैली ऑनलाइन। देखिए, दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ जियोलॉजिकल फिनोमेना। अगर देखें तो एक बहुत बड़ा सिंक होल बना है जिसका 10x10 का डायमेंशन होगा और मैं स्पॉट पे कुछ विजिट आपने किया है। जितना भी नीचे वाला रॉक मटेरियल है वो पूरा सिंक हो चुका है और एक साइड पे ज़्यादातर हार्ड रॉक नज़र आ रही है, कुछ दूसरी साइड पे कुछ सॉफ्ट रॉक भी नज़र आ रही है। कल ऑलरेडी जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो फ्लड कंट्रोल के हों, इरीगेशन डिपार्टमेंट के हों, जल शक्ति के हों, और हमारे जो जियोलॉजिस्ट हैं वो ऑलरेडी ऑन स्पॉट हैं। एक बार एज अ टेम्परेरी मेजर हम इसका जो पानी है, क्योंकि मुझे बताया गया कि लगभग 50 क्यूसेक्स के आसपास इसका डिस्चार्ज है जो काफ़ी ज़्यादा होता है, साथ वाले एरिया से इसको अभी हम डाइवर्ट कर रहे हैं और फिर इसकी एक पूरी साइंटिफिक जियोलॉजिकल स्टडी करवाकर फिर आगे कोई कोर्स दिया जाए। मेरा सिर्फ यही अपील है कि जो इसको एक बहुत क्यूरियोसिटी की तरह ना लें और जो लोग इस साइट पे बार बार आने की कोशिश कर रहे हैं ये कोई और हादसे का शक्ल ना ले, हम इस चीज़ को प्रिवेंट करवाना चाहते हैं। SDM पहलगा, SDM कोकरनाग की तरफ से ऑलरेडी कुछ प्रिवेंटिव सेक्शन इसमें लगाए गए हैं, तो अभी SDPO साहब के साथ डिस्कशन हुई पैरामिलिट्री कंट्रोल के बारे में। तो लोगों से यही अपील है कि जो भी एडवाइजरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आ रही है उसका पालन करें और बिल्कुल जो ये सिंक होल है उसके पास ना आए। जो हमें स्टेप्स आगे लेने हैं वो साइंटिफिक वे से लिए जाएंगे। आप दूर से देखें, जो जो पैरामीटर कंट्रोल जितना है उसके पीछे से रखें और उसको देखें और जाएं। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।